Hello everyone. Good afternoon and welcome back to the YouTube channel of UGC net JRF at Byju's Exam Prep. And myself, Toshiba Shukla, your paper one faculty at Byju's. So yes, quickly keep on joining and let me know whether the voice, video, PPT, everything is fine. You're able to hear me. The PPT is also visible to you and the video is also visible to you, so that we can quickly start this very amazing session that we are calling it as GSAT Mega Marathon. सो so, ये जी सेट जो अभी आपको होने वाला है बहुत ही कम दिन बचे हैं एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन तो आपके लिए बेस्ट सेशन है अगर आपने पी वाई क्यूज नहीं देखे हैं राइट एंड इन केस यू हैवेंट गॉट अ चांस टू स्पेशली स्टडी फॉर जी सेट तो आप एक बार ये सेशन देख लोगे तो आपको कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाएगा बिकॉज अगेन एज वी ऑलवेज से एनी सेट एग्जामिनेशन एनी ए सी टी फॉर दैट मैटर इज अब सेट ऑफ यू जी सी नेट एंड वी हैव डन एवरी थिंग टू कवर यूजीसी नेट अगर आप हमसे बहुत पहले से पढ़ रहे हैं राइट सो दिस सेव नेम्ड इट ये क्लास आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी बहुत ज्यादा क्योंकि आप सब करके बैठे हो ठीक है एंड नॉट ओनली फॉर जी सेट पीपल ये अकेले उनके लिए नहीं है जिनको अभी गुजरात सेट देना है ये उनके लिए भी है जो यूजीसी की जनरल प्रिपरेशन कर रहे हैं बिकॉज यू नो दैट सिलेबस इज सेम पूरा सिलेबस सेम है सिर्फ लेवल थोड़ा सा सेट एग्जामिनेशन का कम होता है ठीक है सो लेट मी क्विकली सी हु ऑल आर हेयर हाय शिवु गुरु नंदिनी सत्यव्रता हेलो इंदु दिबालिना मोनिका हाय प्रांजलि बबीता इंदुमती एवरीवन एवरीवन सो जल्दी से आ जाइए एंड लेट्स क्विकली स्टार्ट दिस विद अमेजिंग मैराथन सेशन इन विच विल बी डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थर्टी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम पेपर वन के ठीक है सो माई क्लासेस क्विकली आई विल यू बहुत बच्चों को अभी भी नहीं पता है मेरी क्लासेस होती हैं मंडे एंड वेंसडे मंडे वेंसडे एट ट्वेल्व ऑन यूट्यूब एंड दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप पेपर वन बाय तोशिबा गुलशन मैम एंड निशान सर इन केस अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है एंड यू आर स्टिल वनडरिंग वेन वी गो लाइव वेन आर द सेशन शेड्यूल्ड सो दिस इज योर गो टू लिंक प्लीज ज्वाइन दैट ग्रुप ऑन टेलीग्राम डू लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एज यू ऑलवेज डू It is not just for है? ऐसा नहीं है कि आप एस टी दे रहे हैं तो ही आपको क्वेश्चन पूरे पेपर वन के रहेंगे आप सबकी स्पीड और प्रैक्टिस इससे टेस्ट होगी ओके सो वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बिफोर आई प्रोसीड आज 19 तारीख है Uh, दो दिन बादसो इन फैक्ट वी हैव अ वेरी अमेजिंग सेशन प्लान फॉर यू एक बहुत बड़ा करियर काउंसलिंग सेशन वी आर प्लानिंग एंड वी आर ब्रिंगिंग इट फॉर यू बिकॉज यही एकदम सही टाइम है जब बहुत से बच्चे एग्जाम दे चुके हैं कुछ बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है एस सी भी देख लें हम यू हैव नॉर्थ ईस्ट सेट ऑल्सो कमिंग अप है ना जम्मू कश्मीर सेट भी कुछ महीने में आने वाला है तो अभी बहुत सही टाइम है कि आपको क्या करना है इफ़ यू हैव एनी क्वायरीज इन योर माइंड तो हम आपको मिलेंगे इक्कीस uh, जनवरी को एक बजे जिसमें एक मेगा करियर काउंसलिंग सेशन का आयोजन हो रहा है एंड वी हैव ऑल फैकल्टी फैकल्टी फॉर यू जो आपके सवालों का जवाब देगी ठीक है सो so जैसे आप देख रहे हैं हर सवाल का जवाब मिलेगा बिल्कुल मिलेगा मतलब uh, ये मत पूछना कि ग्लोबल वार्मिंग कब जाएगी क्लाइमेट चेंज कब खत्म होगा कब कम होगा है ना एनी अदर क्वेश्चंस ऑफ दैट सॉर्ट बट यस रिगार्डिंग योर करियर यू विल गेट ऑल 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 द करेक्ट आंसर्स फाइन सो प्लीज जरूर ज्वाइन करना और इस सेशन के बारे में अपने सारे ग्रुप्स में कॉलेज में अलग यू नो एवर यू यू हैव सम फ्रेंड्स जिनको आप भला करना चाहते हैं अपने साथ तो प्लीज सबको बता देना ठीक है चलो सो ओके लेट्स क्विकली सी द कोट फॉर टुडे हैप्पीनेस इज नॉट बाय चांस बट बाय चॉइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज का एहसास करना कि जो खुशी है इन योर लाइफ इट इज नॉट बाय चांस बट गलती से या इतफाक से नहीं होती हैप्पीनेस इज ऑलवेज अ चॉइस लाइक यू नो यू मेक कॉन्शियस जुडिशियस चॉइस टू बी हैप्पी अगर आप हमेशा मिजरेबल रहेंगे इफ यू विल फील वेरी सॉरी फॉर योर सेल्फ कि अरे क्या चल रहा है जीवन में कितना पढ़ना है है ना ये दुख है कि कमी नहीं होता पढ़ाई है कि बंदी नहीं होती यू विल ऑलवेज भी मिजरेबल बट रादर इफ यू चूज कि नहीं दिस इज समथिंग दैट आई हैव ऑलवेज बीन वॉन्टिंग ये तो मुझे चाहिए इसके लिए तो मैं और मेहनत करूंगा या करूंगी एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव बीन प्लानिंग सो so, आप हमेशा खुश रहोगे सो ट्राई टू चेंज द परस्पेक्टिव ऑफ योर लाइफ इन योर लाइफ एंड ट्रस्ट मी यू विल बी मोर हैपी देफोर राइट सो ऑलवेज ऑलवेज रिमेंबर है चॉइस इट्स नॉट बाई चांस अगर किसी को देख के आपको लगता है कि अरे इनका बढ़िया है ये बढ़िया खुश रहते हैं इनकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं है तो ये आप बहुत गलत सोच रहे हो सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ मिसहैप uh, होते हैं सबकी लाइफ में टेंशन होते हैं बट स्टिल पीपल चूज टू इग्नोर देम एंड मूव ओवर ठीक है तो आपको भी वही करना है वॉइस स्लो आ रही है तो भाई साहब और देवियों और सज्जनों मैं कुछ कर नहीं सकती वॉल्यूम अप कर लो मैं इससे ज्यादा अगर मैं तेज बोलूँगी तो आप लोग शायद स्क्रीन छोड़ के भाग जाओगे राइट आई एम आई एम एक्चुअली ट्राइंग माई बेस्ट एंड हेयर देर इज नो इशू ऑफ नेटवर्क इज वेल शायद आपके साइड से हो शायद ना हो चेक कर लो <coughs> चलो तो शुरू करते हैं हमारे uh, गुजराती भाइयों और बहनों के लिए एंड ऑफ कोर्स द स्टूडेंट्स फ्रॉम गुजरात स्पेशली एक छोटा सा एक आई विल गिव यू वन यू नो सजेशन अगर अभी तक आपने नहीं किया है इफ़ इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर दिस ईयर एग्जामिनेशन मेक श्योर आप ये इम्पोर्टेंट कुछ जो करंट अफेयर आपके स्टेट में हुआ है वो आप देख के जाओ फॉर एग्जाम्पल एन टी पी सी ने अभी डिसाइड किया है कि इंडियाज़ लार्जेस्ट uh, सोलार पार्क एट रन ऑफ कच्छ विल बी एस्टैब्लिश इन गुजरात कितनी कैपेसिटी रहेगी 4.75 गीगावाट तो ये रन ऑफ कच्छ में है और एनटीपीसी इसके साथ साथ ग्रीन हाइड्रोजन को भी जनरेट करेगा सो सम करंट अफेयर ऑफ दिस सॉर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेकेंड करंट अफेयर दैट वाज इन 2020 वे बैक बट आपके लिए आईसीटी और डिजिटल गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने एक पोर्टल लॉन्च किया है प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम सो दिस प्रोग्राम हैज बीन लॉन्च अंडर द नेम डिजिटल सेवा सेतु एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एवरी वन राइट नॉट ओनली फॉर गुजरात पीपल बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ योर नेशनल करंट अफेयर एज वेल सो दिस वॉज लॉन्च द भारत नेट प्रोजेक्ट ऑफ द सेंटर यू नो भारत नेट परियोजना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर आईसीटी उसी इसमें भारत नेट में क्या है 2.5 थ्रू हाई स्पीड डिजिटल ऑप्टिक फाइबर केबल उसी के लिए डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें पंचायत इन गुजरात स्टेट विल बी कनेक्टेड और काफी सारी जो पीपल सर्विसेज हैं गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो लोगों को मिलेगी ठीक है नेक्स्ट करंट अफेयर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हाल ही में कुछ समय पहले जो आपके चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी जी उन्होंने क्या किया है ही टॉक अबाउट द नेशनल लेवल टैक्स जो आपको यूनिवर्सिटीज को हम देते हैं तो आपने सुना होगा एक होता है इंस्टीट्यूशंस ऑफ एमिनेंस का टैग आईओ इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस क्या होता है यूनिवर्सिटीज आर चोजन एंड दे आर प्रोवाइडेड द फंडिंग टू इंक्रीज देयर इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी वर्ल्ड रैंकिंग में उनकी रैंक इंप्रूव हो जाए तो ये हम सेंट्रल लेवल पे करते हैं एक और है वी डू एज एज कॉल इट टैग टैग तो गुजरात में ये -E tag किसको मिला है सेवन यूनिवर्सिटीज राइट सेवन यूनिवर्सिटीज हैव बीन यूनिवर्सिटी निर्मा पंडित दीनदयाल उपाध्याय एनर्जी यूनिवर्सिटी धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट देन वी है मारवाड़ी यूनिवर्सिटी देन वी हैव चारोटार यूनिवर्सिटी सो ये ये सारे क्या है ये यूनिवर्सिटी चूज किया गया है फाइन सो दी वेरी इंपॉर्टेंट देन अगेन एक आपके ही स्टेट के लिए करंट अफेयर इम्पोर्टेंट है uh, गुजरात ने अपनी नई सोलार पॉलिसी अनाउंस की है सो न्यू सोलार एनर्जी पॉलिसी न्यू सोलार एनर्जी पॉलिसी ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी वन उंस इन 2020 ट्वेंटी so, सो इसमें क्या है पावर कॉस्ट जो सोलार से हम जनरेट करते हैं हमें उसका परसेंटेज इंक्रीज करना है, है गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी इज टू लॉन्च किसान सर्वोदय योजना इन गुजरात सो so, किसान सर्वोदय योजना करके एक योजना गुजरात में लॉन्च होगी जिसमें डे टाइम पावर सप्लाई मिलेगा इरीगेशन के लिए सिंचाई के लिए सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पावर सप्लाई विल बी फ्रॉम फाइव ए एम टू नाइन पी एम दिस फंडिंग विल बी इलेक्ट्रिसिटी विल बी गिवेन टू द फार्मर्स ठीक है एक और uh, योजना है जिसका नाम है वतन प्रेम योजना सो so, वतन प्रेम योजना वॉज ऑल्सो बाय द गुजरात गवर्नमेंट यू कैन रिमेम्बर इसमें क्या है स्मार्ट क्लासेस होगी स्कूल्स और लाइब्रेरीज में कम्युनिटी हॉल वाटर रिसाइकलिंग ड्रेनेज ऐसे प्रोजेक्ट्स रहेंगे राइट सो दैट कुड बी टू यू कु वतन प्रेम योजना किस स्टेट से रिलेटेड है फाइन सो हेयर फ्यू इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये स्पेशली आपके गुजरात से रिलेटेड है दैट्स आई थॉट कि इन केस अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो मेक श्योर sure अभी भी दो दिन हैं एक बार एनी करंट अफेयर वेबसाइट इफ यू वॉन्ट आई मीन इफ यू हैव एनी पी डी एफ ऑल्सो सो प्लीज गुजराती करंट अफेयर्स देख के जाना फॉर एग्जाम्पल ये गुजराती भाषा में लिखा है ना Uh, मुझे तो समझ में नहीं आ रही है बट आपको जरूर आ रही होगी इफ़ यू आर फ्रॉम गुजरात सो लाइक दैट यू कैन एक्चुअली सोर्स योर करंट अफेयर फ्रॉम एनी अदर सोर्स जो कि अगर आपको गुजराती भाषा में समझना है फॉर एग्जाम्पल ये अटल रैंकिंग के बारे में दिया है राइट right? सो so, ऐसे करके नॉट वेरी डिफरेंट बट येस और द करंट अफेयर्स विल बी कॉमन ओनली बट आपका जो स्टेट स्पेसिफिक है यूनिवर्सिटीज एंड समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट प्लीज करके जाना राइट right, राइट right, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं अगेन आय से सारे के सारे बच्चे एक एक बार बार फिर से आ uh, class को एक बार शेयर कर दो क्योंकि फॉर ऑल द एग्जामिनेशन ठीक है सो so जल्दी से हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं तीस क्वेश्चन रहेंगे और मुझे फटाफट आंसर देना बिकॉज बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं ठीक है चलो प्राइम मेरी एजुकेशन इज द मदर टंग हैज बीन इन आर्टिकल सो प्राइमरी एजुकेशन जो है uh, आप मदर टंग में दे सकते हो बच्चों को ये कौन से आर्टिकल संविधान के कौन से अनुच्छेद में सुरक्षित किया गया है 29, टू ट्वेंटी जल्दी जल्दी आंसर करो वील ट्राई टू वाइन दिस क्लास इन फोर्टी मिनट्स और हमारा प्रयास यह है कि हम कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ओके सो थ्री फिफ्टी थ्री फिफ्टी ए वेरी नाइस वेरी नाइस सो येस द आंसर इज बी थ्री फिफ्टी सो जो थ्री फिफ्टी ए है दैट इज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कि फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुजरात का है तो गुजरात ने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के रूप में भी पूछा था है ना तो प्राइमरी लेवल पे मदर टंग में बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं जो आर्टिकल 350 है कोई भी ग्रीवियंस हो सरकार से आपको शिकायत करनी हो कोई करिस्पॉन्डेंस करना हो तो भी आप मदर टंग में कर सकते हो सो दैट इज अंडर आर्टिकल 350 ठीक है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज आर्टिकल 343 जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है 343 इज वॉट दैट इज रिगार्डिंग योर ऑफिशियल लैंग्वेज ठीक है ये हमेशा याद रखना हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट इज टू बी द ऑफिशियल लैंग्वेज नॉट द नेशनल लैंग्वेज प्लीज प्लीज रिमेंबर इट ठीक है प्लीज रिमेंबर इट सो हिंदी क्या है हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है नेशनल लैंग्वेज नहीं है इंग्लिश वॉज डिसाइडेड टू बी कंटिन्यूड फॉर फिफ्टीन ईयर्स राइट एंड देन इट वॉज डिसाइडेड कि पंद्रह साल बाद हम फिर से लाइक like, अराउंड 1965 हम सिर्फ हिंदी को ही अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बना देंगे जो कि अभी तक हो नहीं पाया है राइट सो पार्लियामेंट में बाय लॉ में प्रिस्क्राइब द ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 15 इयर्स सो यू नो दिस वाज आफ्टर द साधन इंडिया स्टेट्स स्टेट उनके रेजिस्टेंस के कारण हम ये ऐसी कोई पॉलिसी नहीं लाए हैं एंड स्टिल वी कंटिन्यू टू यूज बोथ द लैंग्वेजेज फॉर द ऑफिशियल पर्पजेज सो अलॉन्ग विद आर्टिकल थ्री आर्टिकल थ्री थ्री इज वेरी इंपॉर्टेंट फाइन क्लियर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ आई जल्दी से बताओ फुल फॉर्म क्या है सी ए आई का करंट अफेयर अगेन आई एम सेइंग आपको अलग से कुछ नहीं करना है जो सबका करंट अफेयर अगर आपके स्टेट में कोई नया सोलर प्लांट आया है आपके स्टेट में कोई नया कुछ इनोग्रेशन हुआ है समथिंग रिगार्डिंग इन इनवायरमेंट लाइक सोलर पॉलिसी आई है So, that could be asked. Fine. Otherwise, the current affairs are common only. You can do the central, the main uh, current affairs that we have been doing. Chalo, jaldi batao, CAI ka full form kya hai? What is the full form of CAI? So, as uh, I guess most of you might be thinking that this is totally for Gujarat people, right? But yes, no, it's for everyone.

आपने रिसर्च में पढ़ा होगा वॉट इज प्लैग राइट सो यू हैव टू है फोर ऑप्शन जल्दी बताओ जल्दी से आंसर दिस पार्ट है टीचिंग रिसर्च मैम से आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है सो हैव टेकन फ्यू कम्युनिकेशन एंड टीचिंग एक आध दो क्वेश्चन ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बिल्कुल केवड़िया केवड़िया प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट वो भी आपको पढ़ के जाना है क्या क्या उसमें है गिफ्ट सिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन गुजरात सो आपके स्टेट से जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीजें हैं दैट यू शुड बी नोइंग ओके वेरी नाइस सो आ, क्या नहीं होता है फ्लैग फ्लैग वो नहीं होता है जब हम किसी और से कंटेंट लें किसी और के काम को लें बट हम उसको ड्यू एक्नोलेजमेंट दे दें

कौन सा कम्युनिकेशन होता है हमारा ड्रेस कोड फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम वेयरिंग राइट सो ये किस प्रकार का मैं संचार कर रही वर्बल वर्बल नॉन या स्पोकन ओके वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी सिंपल एंड वेरी इजी क्वेश्चन इट इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन राइट वेयर वी आर नॉट स्पीकिंग नो स्पोकन वर्ड्स रिटर्न बट

ठीक है वॉट रे exactly ये भी पता होना चाहिए सी डी रॉम क्या होता है सी डी आर डब्ल्यू क्या होता है ठीक है ऐसा भी हो सकता है सी डी आर क्या होता है राइट दैट सो दीज शुड बी क्लियर टू यू यस वेरी नाइस वैन स्टैंड फॉर वैन का फुल फॉर्म बताओ जल्दी से वाइड एरिया नेटवर्क वायरलेस एरिया नेटवर्क वायरलेस एरिया नेटवर्क या वाइड एक्सेस नेटवर्क चलो जल्दी से बताओ वेरी नाइस वेरी नाइस सेट के क्वेश्चन बिल्कुल नेट से बहुत इजी होते हैं तभी जब आप लोग परेशान होते हैं कि मैम सेट है क्या करें तो हम आपसे हमेशा बोलते हैं अगर नेट की तैयारी करी है तो सेट के लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है यस वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क सो ये आपको क्रोनोलॉजी याद है पहले होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क फिर यू कैन हैव अ लैंड लोकल एरिया नेटवर्क फिर होता है मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क फिर होता है वैन वाइड एरिया नेटवर्क इसमें स्पैन <coughs> बढ़ता है द डिस्टेंस आई मीन हाउ मच डिस्टेंस इट्स कवरिंग वो इंक्रीज होता जाता है ठीक है पैन इज पर्सनल एरिया लाइक योर ब्लूटूथ उसको हम पैन भी बोल सकते हैं क्लियर चलो वेरी नाइस वेरी इजी क्वेश्चन अ कंप्यूटर कैन नॉट बूट इफ इट डज नॉट हैव द डैश कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता यदि उसके पास निम्न में से कुछ एक चीज़ नहीं है जल्दी बताओ हम्म क्विकली कंप्यूटर के पास क्या होना चाहिए अगर आप उसको बूट करवाना है बूट समझते हो बूट क्या होता है हमने पढ़ा है बूथ uh, स्ट्रैपिंग हमने पढ़ा है बूथ स्ट्रैप क्या होता है हार्ड बूट सॉफ्ट बूट वॉट एग्जैक्टली आर दीज वेरी नाइस द आंसर इज सी कंपाइलर के बिना कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा लोडर के बिना भी हो जाएगा की पैड नहीं भी लगाओगे तो हो जाएगा है ना ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो आप पार्ट्स जो टैंजेबल होते हैं उनको हम हार्डवेयर बोलते हैं राइट आई एम द यूजर सो बेसिकली एक प्रकार का ये सॉफ्टवेयर ही है जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरक्शन करने में हेल्प करता है ठीक है सो इट इज अस्टम सॉफ्टवेयर तो बूथ स्ट्रैपिंग इंस्ट्रक्शन कहाँ पे होता है या आपका रॉम में होता है रीड ओनली मेमोरी में हमने पढ़ा है दैट हैज दूथस्ट्रैप इंस्ट्रक्शन ठीक है मैम रिजल्ट का वेट करें या प्रिपरेशन ये तो आप ही बता पाएंगे आपका पेपर कैसा गया है है ना बट बहुत टाइम वेस्ट मत करना स्टार्ट रीडिंग समथिंग है ना स्टार्ट रीडिंग समथिंग डोंट वेस्ट टाइम ओके ह्यूमन आर टू एज बींगाइस इज कॉल्ड एज सिलीकोसैपियन ह्यूमन बींग्स को हम होमोसैपियन बोलते हैं कौन से डिवाइस को हम सिलीकोसैपियन बोलते हैं सो अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बट येट वेरी इजी क्वेश्चन आई होप यू विल बी

तो स कंप्यूटर्स आर कॉल्ड एज सिलीकॉन सैपिये सेमी कंडक्टर सिलिकॉन चिप से बना था वाइडली ये 1989 में इस टर्म को हमने कॉइन किया था ठीक है yes. जल्दी बताओ। so आपको वो हायराकी याद होगी मेगा गीगा किलोबाइट वाली जो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म भी बताया था जल्दी से बताओ क्विकली क्विकली गीगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं बहुत आसान क्वेश्चन है मतलब आप देख रहे हो कि उन्होंने कुछ ऐसा भी नहीं दिया कि आप कंफ्यूज हो सको कैलकुलेशन भी नहीं करना अगर आपको बेसिक पता है कन्वर्जन कि कितना होता है तो आप आंसर दे दोगे यस द आंसर इज डी वन जीरो टू फोर सो वन जीरो टू फोर मतलब टू की पावर टेन के टर्म्स में हम इंक्रीज करते जाते हैं राइट सो यू हैव सबसे पहले जो होता है वो होता है बिट बिट मतलब जीरो वन फिर uh, आपका आता है निबल चार बिट का फिर होता है बाइट फिर होता है किलो बाइट फिर होता है मेगा गीगा लाइक दैट यू गो एंड वन जीरो टू फोर यस दैट्स हाउ वी डू इट सो बिट है निबल है बाइट है किलो बाइट है फिर है मेगा बाइट uh, गीगा बाइट टेरा बाइट एग्जा जेटा योटा एंड यू हैव ब्रोंटो ठीक है सो आई वेंट टू एम जी रोड टू बाय पिज्जा यहाँ पेटा भी आएगा ठीक है सो पी ई जेड वाई पी ई जेड वाई पेटा जेटा योटो योटो के बाद क्या आ जाता है एंड क्लियर तो ये मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी पी ई जेड वाई इससे याद रखना आई वेंट टू एम जी रोड एम जी रोड टू बाय पिज़्ज़ा सो पी ई जेड वाई क्लियर चलो वेरी नाइस वेरी नाइस विच इज इंडिया बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अब देखो यह ऐसा करंट अफेयर भी नहीं है बट हाँ आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर में पूछा था पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट भारत का कौन सा है मुंबई अहमदाबाद डेली चंडीगढ़ डेली जयपुर या चेन्नई कोलकाता यस क्विकली क्विकली टेंथ क्वेश्चन का जल्दी से मुझे आंसर दो दैट्स वाई गेव यू लिटिल इंट्रोडक्शन बउट द करंट अफेयर इन गुजरात है ना तो प्लीज वैसे छोटे छोटे से देख कर जाना कुछ नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट हुई है आपकी गुजरात से आपको पता है वो भी देख कर जाना ठीक है एनी थिंग एनी थिंग डैट यू थिंक फॉर एग्जाम्पल ड्रैगन फ्रूट का नाम रखा था कमलम वो भी गुजरात में हुआ था वो भी देख कर जाना और द थिंग्स एटलीस्ट यू शुड बी नोइंग द जनरल हैपनिंग्स इन योर स्टेट येस वेरी नाइस आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मुंबई या अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर जो की पांच सौ आठ किलोमीटर का टेक्नोलॉजी uh, हमने इसमें यूज किया थार्ट ऑफ इंडिया हैजर्ड द ट्रांजिशन ऑफ व्हीकल्स टू विच बी एस लेवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने वाहनों को किस बी एस के स्तर पर स्थानांतरित करने का आदेश दिया है बी एस फाइव थ्री सिक्स या फोर जल्दी बताओ एंड ऑफकोर्स देश दिया है तो अभी हाल के आदेश की बात हो रही होगी पुराना तो है नहीं है सो क्विकली टेल मी द इलेवेंथ आंसर ये क्विकली क्विकलीस ओके एज ऑफ नाउ वी हैव गुजरात सेट वी हैव नॉर्थ ईस्ट सेट

BS5 को हमने कर दिया है हम नहीं यूज करेंगे ठीक है यस सो यू नो दीज आर बेटर आप बेहतर हो तो क्या होगा इट विल बी एक्चुअली एमिटिंग लेस अमाउंट ऑफ सल्फर मेनली बाकी फाइव पीएम टेन ये सब भी कम एमिट होगा बट सल्फर में मेजर असर पड़ता है सो so, अगर हम मैं सिक्स यूज करूंगी तो जो सल्फर है वो होगा टेन पीपीएम टेन पार्ट्स पर मिलियन वेर एस अगर मैं फोर यूज कर रही थी तो होगा वो फिफ्टी पीपीएम फिफ्टी पार्ट पर मिलियन सो सल्फर आपके एनवायरमेंट में बहुत कम जाएगा ठीक है यस वेरी नाइस नेक्स्ट क्वेश्चन साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड अ न्यू बैटरी मटेरियल बेस्ड इन डैश विथ चार्जिंग स्पीड 5 टाइम्स फास्टर देन लिथियम आयन बैटरी तो साइंटिस्ट ने एक नई बैटरी मटेरियल का uh, क्या किया है उसको uh, तो ढूंढा है जो कि लिथियम आयन बैटरी से बहुत जल्दी चार्ज होगा ग्राफीन कार्बन नाइट्रेट या क्रोमियम श्योर श्योर आई विल आई विल बी डूइंग नॉर्थ ईस्ट सेट एज़ वेल डू नॉट वरी

ज रिकॉर्डेड एज वन ऑफ द वर्ल्ड हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं है ना सो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बायो डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भारत में कितने हैं कहाँ कब आया सो यू नो द पर्सन हु गेव द कॉन्सेप्ट बाय द नेम नॉर्मन मेयर्स नॉर्मन मेयर्स ने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट दिया था पूरे वर्ल्ड में अराउंड थर्टी फाइव हैं, इंडिया में चार हैं ठीक है सो so भारत में बताओ रन ऑफ कच वेस्टर्न घाट ईस्टर्न घाट थार देजर्ट। थार डेज़र्ट, डेज़र्ट इज़ नथिंग, यू हैव थार डेज़र्ट, ओके, okay, सो so, अच्छा बी बी डी सी सी काफी सारा लग रहा है देखते हैं इसका आंसर बे, बेसिकली इस वेस्टर्न घाट सो वेस्टर्न घाट्स एंड यू हैव हिमालय एंड यू हैव सुडा इंडो वर्मा रीजन वो सारे हॉटस्पॉट्स हैं हॉटस्पॉट का मतलब क्या है एटलीस्ट uh, वहाँ पे 1500 हंड्रेड वैस्कुलर प्लांट्स की स्पीशी होनी चाहिए और कुछ ऐसी स्पीशी होनी चाहिए जो वहाँ पे सिर्फ एंडेमिक हो एंडमिक मतलब सिर्फ वहीं पे पाई जाती है ऑल्सो सेवेंटी जो वहाँ का ओरिजिनल बायोडाइवर्सिटी है दैट हैज बीन लॉस्ड

So, ऐसे भी आपसे गुजरात सेट में पूछते हैं प्रीवियस क्वेश्चन है राइट सो so, जैसे मैं UGC में भी अभी सॉल्व करवाती कुछ आपको साइंस एंड यू नो रिलेटेड टू बताओ पोलराइज लाइट रैपिडली रोटेटिंग स्टार्स किस कौन सा इफेक्ट है वो चंद्रशेखर रमन एस रामानुजन वेंकट रमन रामकृष्णन क्विकली क्विकली यस yes, जल्दी जल्दी से आंसर करो व्हाट इज दैट यू नो पोलराइज लाइट्स जो इमिट करते हैं रोटेटिंग स्टार्स उनको हम क्या बोलते हैं सो वी हैव अ टाई बिटवीन बी एंड डी है ना बहुत कम बच्चे ए बोल रहे हैं ए बल्कि सही आंसर है सो so आपने चंद्रशेखर लिमिट भी पढ़ा होगा बचपन का सब पढ़ा हुआ हम भूल जाते हैं है ना, so, emission of polarized light, star से जो लाइट निकलती है right? so, that is called as what Chandrasekhar जी ने वो दिया था था 1946 में, उन्होंने बताया तो कुछ ऐसे जो बेसिक डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन हैं, ठीक है वॉट एग्जैक्टली डू यू मीन रमन इफेक्ट द चंद्रशेखर लिमिट ऑल दीज थिंग्स ये आपको पता होना चाहिए ठीक है यस yes. ओके okay. सो so, uh, हा ब्राइटेस्ट स्टार एंड ऑल दैट समथिंग रिगार्डिंग योर जैसे आपसे अगर बहुत ज्यादा उनको पूछना हुआ तो दे कैन आस्क यू समथिंग रिगार्डिंग डार्क मैटर ऑल्सो कि डार्क मैटर क्या होता है जैसे यूपीएससी पूछता है डार्क एनर्जी क्या होता है राइट सो वॉट डू यू मीन बाय सुपरनोवा एक्सप्लोजन ठीक है स्टार्स से रिलेटेड ऑल दी स्मॉल स्मॉल थिंग्स फॉर एग्जांपल यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ हिग्स बोसॉन हिग्स बोसोन किसने दिया था वॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड पार्टिकल गॉड पार्टिकल क्या होता है द यू नो द बिग बैंग थ्योरी एंड ऑल दैट वी स्टडी जिससे यूनिवर्स हमारी बनी थी सो बिग बैंग थ्योरी क्या है हिग्स बोसॉन क्या है गॉड पार्टिकल क्या है डार्क मैटर क्या है डार्क एनर्जी क्या है ऑल दीज थिंग्स थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए ठीक है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जामिनेशन एंड फॉर जनरल ओवरऑल डेवलपमेंट एज वेल वॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनआईआरएफ वेरी इजी क्वेश्चन आज बाई यूजीसी एज वेल आज बाय सेट एग्जामिनेशन एज वेल एनआईआरएफ का फुल फॉर्म क्या है जल्दी से मुझे आंसर बताओ येस क्विकली क्विकली ओके सो यू थिंक इट्स सी ये तो मुझे लग रहा है बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो आपको पता ही होना चाहिए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क राइट सो यस द आंसर इज सी दिस रैंकिंग इज अ डोमेस्टिक रैंकिंग हमने जब लाया था इसको टू थाउजेंड फिफ्टीन में फॉर द इंटायर इंडिया तब हमने सोचा था कि कुछ साल बाद हम इसको इंटरनेशनल नेचर का बना देंगे जैसे चाइना में होता है राइट, right. बट अभी तक ये सिर्फ इंडिया के को रैंक करता है। फाइन, अभी की रिसेंटली रिलीज रैंकिंग में और अगर मैं उससे पहले की बात करूं तो डेंटल कैटेगरी को इंक्लूड किया गया था सो एन आई एफ रैंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव एरिया रैंकिंग एज वेल अटर रैंकिंग फॉर इनोवेशन

ओके, यस, सो फॉर्मर एम एच आर डी बट राइट नाउ इट्स मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन स्वयं मींस वेल, सो इट्स स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड तो आप देख सकते हैं ये स्वयं है स्वयं प्रभा है शोध सिंधु शोध गंगा प्लेगारिजम से रिलेटेड क्वेश्चन ये हर एग्जामिनेशन में पूछते हैं सो so, सब पढ़ के जाना एन ए डी पढ़ के जाना एनडीएल पढ़ के जाना नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी नेशनल अकेडमिक डिपोजिट्री जिसको हम डिजी लॉकर भी बोलते हैं एनएम आई सी टी भी पढ़ के जाना एन एम ई आई सी टी नेशनल मिशन ऑन एडुकेशन यूजिंग आईसी टी क्या होता है सो दीज क्वेश्चन आर रिपीटेड एवरी ईयर ठीक है तो दीक्षा प्लेटफॉर्म क्या है दीक्षा से क्या मतलब है वॉट डू यू अंडरस्टैंड ई शोध सिंधु ठीक है तो ये सारे के सारे प्लीज देख कर जाना वेरी इंपॉर्टेंट हाटी नेक्स्ट क्वेश्चन ए आई सी टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्लानिंग कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वॉट टीचर्स एजुकेशन डिस्टेंस एजुकेशन टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन सो ए क्या प्लान कोऑर्डिनेट करती है टीचर्स एजुकेशन डिस्टेंस टेक्निकल या स्कूल एजुकेशन कितने आसान क्वेश्चन है राइट right? और आप लोग खामो खा एस से डरते हैं हम यूजीसी uh, में इतना कुछ पढ़ चुके हैं सारी बॉडीज को मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया है विद इयर्स एंड फंक्शन एवरीथिंग यस सो दैट्स आर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग यू नो दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज Nice, होशियार बच्चे पढ़कर आयोटी ए आई सी टी बना था नाइनटीन एटी सेवन में इसको statutory status मिल गया था टेक्निकल एजुकेशन को रेगुलेट करता है एंड ये नो दैट इट ए आई सी टी इन विच स्टेट द फर्स्ट चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश इन इंडिया कौन से uh, राज्य में पहला भारत का बाल विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी महाराष्ट्र राजस्थान मध्य प्रदेश, गुजरात जल्दी बताओ क्विकली क्विकली यस वेरी नाइस सीकिंग एन आंसर्स फॉर द एटींथ क्वेश्चन चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी ओके

स आपको लगा होगा गुजरात सेट का है तो गुजरात ही आंसर होगा कुछ भी मैम क्या पूछ रहे हो आप भी पर ऐसा हमेशा नहीं होता है ठीक है कई बार द आंसर कुड बी डिफरेंट एज वेल सो डू नॉट गो बाय दिस लॉजिक कि स्टेट स्टेट से पूछा है तो हमारा ही आंसर होगा इन नेम द नेशनल मिशन ऑफ टीचर्स एंड टीचिंग हैज़ बीन लॉन्च इन इंडिया किसके नाम पे ये राष्ट्र मिशन लॉन्च हुआ है टीचर्स एंड टीचिंग का दीनदयाल उपाध्याय जवाहरलाल नेहरू मदन मोहन मालवीय पंडित रविशंकर जी जल्दी से बताओ नाइन क्वेश्चन यस क्विकली क्विकली बिल्कुल डॉक्टर सरिता वी आर टेकिंग प्लीज देखना लास्ट क्लास आई टोक ऑन लॉजिकल रीजनिंग उससे पहले इन्वायरमेंट पे सो आई आई एम टेकिंग क्लासेज ऑन मंडे एंड वेंसडे और ये सब अब ट्वेंटी ट्वेंटी टू के लिए ही है सो मेक श्योर यू अटेंड ऑल ऑफ देम ओके वेरी नाइस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी बहुत लोगों को लग रहा था दीनदयाल उपाध्याय बट नहीं मदन मोहन मालवीय टीचर्स के लिए मिशन जो आया है राइट नेशनल मिशन इंडिया कवरेज 25 दिसंबर 2014 को ये लॉन्च किया गया था फाइन सो so, जितना करंटली वी हैव टू रेज द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस फाइन so, सो ये मदन मोहन मालवीय सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ट्वेंटी एट क्वेश्चन इन इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है इंट्रापर्सनल ये ठीक है ये कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है एक इंटरपर्सनल होता है एक इंट्रापर्सनल होता है तो दिस इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन वॉट हैपन्स चार ऑप्शन दिए हैं जल्दी से बताओ एंड वी हैव टू सॉल्व थर्टी अराउंड क्वेश्चन सो अभी हम बीसवें क्वेश्चन पे आए

जब हम खुद से बात करते हैं हम ये इंट्रोस्पेक्शन करते हैं राइट वी टॉक टू आर सेल्फ वी डू डे ड्रीविंग ऐसे बैठ के खो गए हैं सो रहे हैं कि अच्छा ऐसा होगा ऐसा होगा हम ये करेंगे तो ये हम आपस में बात कर रहे हैं इंट्रोस्पेक्शन भी करते हैं वी थिंक ओ वॉट आर वी डूइंग विद डूंग लाइफ राइट दिस इज नॉट दट द राइट वे इट शुड बी डन मैं क्या कर रहा हूँ अपने जीवन के साथ ये सारी चीजें जब हम खुद ही सेंडर हैं खुद ही रिसीवर हैं दैट्स कॉल्ड एज वॉट इंट्रा पर्सनल

हाँ <coughs> उपमान का मतलब क्या होता है इंप्लिकेशन कंपेरिजन इंफ्लुएंस या परसेप्शन ओके तमे बहुत जा सरस बनावो छो ओके थैंक यू आई गॉट इट समथिंग समथिंग सरस इज गुड राइट सो तमे बहुत जा सरस बनावे छो ओके आई लाइक लिसनिंग गुजराती इट्स सो स्वीट एज इफ समवन इज टॉकिंग सिंगिंग अ सॉन्ग राइट सो मेलोडियस ये चांद सी महबूबा होगी कब ऐसा मैंने सोचा था है ना हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था उपमा दे दी हमने क्या दे दिया हमने उपमा दैट मीन गेव कंपैरिजन सो वी कंपेयर द लव ऑफ अर लाइफ विद द चांद विद द मून बिकॉज एज ब्यूटिफुल एज मून इज यू आर एज ब्यूटिफुल एज मून इज राइट सो ये हमने उपमान दिया एक प्रकार से ये एक प्रकार का नॉलेज है राइट right?

होता है अनुमान होता है उपमान होता है अर्थपटी होता है अनुपलब्धि होता है और शब्द होता है ठीक है वर्बल टेस्ट जिसको बोलते हैं प्लीज 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 जल्दी से इसको याद कर लेना अगर नहीं पता है तो खूब भालो लागे खूब भालो लागे हाँ मुझे भी खूब भालो लगे आप लोगों को पढ़ाना न्याय सोलॉजिज्म हैज हाउ मैनी स्टेटमेंट्स चलो भालो लागे तो ठीक है एटलीस्ट जल्दी जल्दी से सही आंसर दो Then only it will be worth if you will give all the correct answers. syllogism have how many statements? You know, and my students will give me the correct answer with the correct answer as in short form. Short form. Jaldi Batao. Ha. Quickly, quickly, quickly. Yes, nice. कहाँ ये मार्केट में फैल गया है अब हर जगह यही शॉर्ट फॉर्म सुनने को मिलता है बिल्कुल द आंसर इज फाइव दैट इज फून फून क्या है यू हैव दीज फाइव स्टेप्स ऑफ अनुमान है ना सो वी हैव प्रपोजिशन प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण

यू कैन सी दैटर्न एवरी एग्जामिनेशन बी इट यू डी सी नेट और से जल्दी से आंसर करो यस अफकोर्स अफकोर्स जो भी ये सेट होगा हमारी कोशिश है की हम सब तरीके से हेल्प कर पाए है ना तो अभी अगले सेशन हम नॉर्थ ईस्ट सेट को लेकर आएंगे सो दैट कवर्स लाइक सेवन सिस्टर्स राइट सो जितने भी बच्चे दे आर पेयरिंग फॉर नॉर्थ ईस्ट सेट प्लीज अटेंड ऑल द सेशन

सो डॉक्टर रमेश असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कॉलेज में उनको कोई रिफ्रेशर कोर्स करना है तो आप क्या बोलोगे कि रमेश भाई साहब एक काम करो आप ये वाला कोर्स कर लो आप उनसे बोलोगे एनपी जाओ अर्पित करो मूडल करो या इपीजी e पाठशाला से आप उनको कुछ कोर्स करने को बोलोगे वेरी गुड क्वेश्चन वेरी गुड क्वेश्चन श्योर आबिया आई विल बी ब्रिंगिंग वन सेशन ऑन जम्मू कश्मीर सेट एज वेल डो नॉट वरी यू गाइज ओनली हैव टू मी कि आप सारी क्लासेज अटेंड करोगे Uh, your command is our, you know, thing. We have to do that, but you have to attend all the sessions. तो क्या बोलोगे डॉक्टर रमेश से क्या करने का बोलोगे अरे डॉक्टर रमेश क्यों परेशान हो रहे हैं चिल करिए जाइए नेटफ्लिक्स देखिए बढ़िया मूवी आई है पुष्पा रिलीज हो गई है अब एमेजॉन प्राइम पे हिंदी में भी आ गई है क्या आप लगे हो रिफ्रेशर कोर्स करने में है ना ऐसा तो नहीं बोलोगे ना नहीं तो डॉक्टर रमेश अगली बार आपसे कोई सलाह नहीं मांगेंगे बिल्कुल डॉक्टर रमेश को आप बोलोगे डॉक्टर साहब जाइए ए अर्पित करिए इट्स एनुअल रिफ्रेशर प्रोग्राम इन टीचिंग एंड इट्स फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट फॉर फैकल्टी राइट सो के थ्रू होता है अर्पित आ, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है हम पहले भी पढ़ चुके हैं 2018 में लॉन्च हुई थी क्लियर यस ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल नेटवर्क सोशल नेटवर्क इसमें क्या नहीं है लिंक इन इंस्टाग्राम ट्विटर या ई सोशल नेटवर्किंग साइट जिसमें आप दिन भर कुटर कुटर लगे रहते हो है ना इंस्टाग्राम करते हो फिर LinkedIn पे भी आजकल काफी लोग एक्टिव हो गए हैं एंड देन ई बे है कि नहीं ट्विटर है कि नहीं बताओ यस यस जल्दी बताओ कल ही देखी पुष्पा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया किया बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो नहीं बट जरूरी है यू शुड बी हैविंग सम काइंड ऑफ रिक्रिएशनल एक्टिविटी आल्सो हैपनिंग इन लाइफ है ना ऑल वर्क नो प्ले मेक्स यू डल यस द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ईबे ईबे इज नॉट अ सोशल मीडिया सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट इट्स अ ई-कॉमर्स ई-कॉम वेबसाइट लाइक अमेज़न सो ट्विटर इंस्टाग्राम लिंकड इन ये सब सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स हैं विथ स्टेप्स आर टू बी टेकन फॉर अबैटमेंट ऑफ एयर पोल्यूशन आप इनमें से क्या करोगे जिससे एयर पोल्यूशन कम हो जाएगा सी एन जी कार यूज करोगे फायर क्रैकर्स को बंद कर दोगे त्यौहार में जलाना ज्यादा पेड़ प्लांट करोगे या एग्रीकल्चर वेस्ट जो है जिसको आप स्टबल बर्निंग बोलते हो पराली जलाना बोलते हो वो नहीं करोगे यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन Yes, quickly, 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 give me the correct answer for 27 question. Very good question. At times I feel these SCT people make good questions, right? Uh, this year also WB said few questions were very good, especially from higher education. The student has to think and ponder on such questions. As directly. Yes. Mm -hmm. Okay. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज चल आपको लग रहा है सी दिस इज इन हिंदी बट आई गेस यू ऑलरेडी गिव द राइट आंसर सो यस सब के सब सारे के सारे काम हम करेंगे है ना ये सारे काम अच्छे बच्चों वाले काम होते हैं सी एनजी कार ये फॉर एग्जाम्पल डे बिफोर यस्टर्डे इन इंडियन एक्सप्रेस इज बिग आर्टिकल बाय डेली गवर्नमेंट रिगार्डिंग द बसेस इलेक्ट्रिक बसेस जो कि उन्होंने इंट्रोड्यूस करी है, है ना सो so, ये सारे इनिशिएटिव्स हैं फॉर एग्जांपल द फेम पॉलिसी फेम पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है दैट्स फास्टर ऑफ द ई व्हीकल्स तो ये फेम स्कीम क्या है ई e व्हीकल्स क्या हैं हाइड्रोजन फ्यूल हम हाइड्रोजन फ्यूल भी यूज कर रहे हैं राइट right? हम इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम कर रहे हैं दीज आर अदर थिंग्स दैट कुड बी आस्क्ड टू यू और आपको पता होना चाहिए इथेनॉल ब्लेंडिंग के तहत अभी ई ट्वेंटी EAT, ऐसे करके जो रहता है गाड़ियों पे वो जिसमें हम बायो फ्यूल पेट्रोल एंड डीजल ऐसे आपसे सरकार कितने सारे हैं आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं जैसे कि स्मोक टावर है दिल्ली में दो स्मोक टावर लग गए हैं जैसे कि स्मोक गन्स हैं इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं, हैं। हाइड्रोजन फ्यूल हम यूज कर रहे हैं बायो, तो ऑल दीज क्यूमुलेटिवली ये अच्छे बच्चों वाली चीजें होती हैं जो सबको करनी चाहिए पेड़ लगाने चाहिए फायर क्रैकर्स नहीं जलाने चाहिए एग्रीकल्चर वेस्ट पराली नहीं जलाना चाहिए बर्निंग नहीं करनी चाहिए ठीक है यस yes, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया एच पी सेट का पेपर चलो हम हम वो भी कर लेंगे सोल्व कभी सो ओके दैट वाज इट आई थॉट इट विल बी थर्टी बट वी आर शॉर्ट ऑफ थ्री क्वेश्चन बट इट्स ओके यू गाइज विल टेल मी फ्यू थिंग्स जो मैं आपसे अभी पूछने वाली हूँ तो मुझे आप इस सेशन के बाद बताना एंड आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे ये क्वेश्चन से आपका थोड़ा सा नॉलेज भी बड़ा होगा राइट सो प्लीज़ मेक श्योर आप जितना भी आपने पढ़ा है नॉर्मल यू जी सी नेट में आप वो सब पढ़ के जाएँ ठीक है सो so ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो एकदम अलग से आपसे पूछ लेंगे इट विल बी ऑल द सेम थिंग्स दैट वी हैव बीन डूइंग क्लियर क्लियर आई होप यू एंजॉय द क्लास एंड प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि आपको क्लास कैसी लगी और मुझे ये बताना बुक बैंक ठीक है बुक बैंक और एक मिल्क बैंक या मिल्क एटीएम कौन से स्टेट्स में लॉन्च हुआ है ठीक है एक तो विलेज था हमने पढ़ा था कहाँ पे विलेज है जहाँ पे पहला बुक बैंक लॉन्च हुआ है राइट एंड देर इज समथिंग कॉल्ड एज मिल्क ए टी एम और मिल्क बैंक ये भी कहाँ पे लॉन्च हुआ है दो स्टेट्स के नाम हैं प्लीज डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन एंड थैंक यू एवरी वन हुवर वॉन्ट्स टू कनेक्ट टू मी यू कैन जॉइन द टेलीग्राम चैनल एज आई मैं पेपर वन बाय तोशबा गुलशन मैम एंड निशान सर

प्लीज़ जाते जाते लाइक कर देना सेशन को और फिर से एक बार शेयर कर देना एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लगा ठीक है अब हम आज वैन से हम मिल लिए अब हम फिर से मिलेंगे मंडे को बट नहीं उससे पहले बीच बीच में भी आई ट्राई टू कम लाइक येस्टरडे आई मेड अ सेशन ऑन वेब वन पॉइंट ओ टू पॉइंट ओ थ्री पॉइंट ओ ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार यू जी सी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि वेब वन पॉइंट ओ टू पॉइंट ओ क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए सिमिलरली आई विल बी कमिंग अप विद मोर सच सेशन टिल देन टेक केयर एंड Stay connected and of course, we'll meet soon. See you. Bye bye.